कृषि है ये मत डालो। तो किसान पूछेगा क्या डालें, तो उससे कहो गोबर की खाद डालो, ये रासायनिक खाद मत डालो। तो किसान पूछेगा जी गोबर की खाद में फायदा कम है, रासायनिक खाद में फायदा ज्यादा है, तो उसको बड़े प्रेम से समझाना है कि गोबर की खाद में ही फायदा ज्यादा है, रासायनिक खाद में फायदा तो बहुत कम है, क्योंकि रासायनिक खाद बहुत महंगी मिलती है। पहले एक कट्टा रासायनिक खाद मिलती थी 70 रुपए में, अब एक कट्टा रासायनिक खाद मिलती है 250 रुपए में, 300 रुपए में, 350 रुपए में, और कभी कभी ब्लैक हो जाए तो 500 रुपए में यूरिया। और हर साल कीमत बढ़ती जाती है, क्यों? क्योंकि ये रासायनिक खाद बनती है उन वस्तुओं से जिनको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कहा जाता है, और सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिसको नेफ्था कहते हैं वो विदेशों से आता है, इसका पैसा पूरा विदेश में जाता है। किसानों को समझाइए, ये आप में से जो कार्यकर्ता भाई ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, जो गांव से आए हैं, उनको भी स्वदेशी आंदोलन चलाना है। उनको स्वदेशी आंदोलन क्या चलाना है? अपने गांव में विदेशी कंपनियों की सबसे ज्यादा बिकने वाली जो चीज है वो है रासायनिक खाद, जिसको हम यूरिया कहते हैं, डीएपी कहते हैं, सुपर फॉस्फेट कहते हैं, और रासायनिक कीटनाशक जिसको एंडोसल्फान कहते हैं, मेलाथियान कहते हैं, पैराथियान कहते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहते हैं। तो ये विदेशी कंपनियों के कीटनाशक और रासायनिक खाद ये किसानों के बीच में सबसे ज्यादा खरीदी जाती है, और एक साल में 4,80,000 करोड़ रुपए की खरीदी जाती है रासायनिक खाद और कीटनाशक। माने हमारे किसान हर साल रासायनिक खाद और कीटनाशक खरीदकर विदेशी कंपनियों को 4,80,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं, ये भी हमको बचाना है।